वास्तुशास्त्रम की भाषा जानने वाला इसका पता तो मुझे लगाना पड़ेगा। ओके हे भगवान हे भगवान, ये मैच जिता देना भगवान। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। ये मैच जिता देना भगवान। हे भगवान, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। हे भगवान, मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा प्रभु, मैं तुम्हारी अगरबत्ती चढ़ाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा प्रभु। हे भगवान, मैं जिता देना। तू ये क्या कर रहा है? मैं भगवान से विनती कर रहा हूँ कि वो मुझे हमें हमारा मैच जिता दे। ठीक है, कर विनती। हे भगवान, मैच जिता दे प्रभु। हे भगवान, ये मैच जिता देना, मैं हमेशा आपका एहसान नहीं भूलूंगा प्रभु। हे भगवान, ये मैच जिता देना। अरे भाई, अभी तो चुप हो जा, अभी तो मैच देखने दे भाई। मुझे करने दे यार, मैं विनती कर रहा हूँ। क्या है यार, मैच जिता देना भगवान। हे भगवान, अभी टपका था साले को। ओए, फेंके नहीं गेंद, बहुत देर हो गई। अबे रुक। अबे नीचे झुक। इसके तो उड़ा डाल। क्या? अबे स्टंप यार। आज इनको चेंज करना है। आज इनका कमांड टोल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अलविदा, तेरी लास्ट बॉल है। दो रन नहीं बनने चाहिए। रन तो तूने आधा ही लिया है, मैच तो ड्रा है। ये क्या है? अपने औकात पे तुम जैसे इलाज करो, चाय में डाल के पीता हूँ मैं। अबे क्या बोला तू? अरे छोड़ो। अरे आखिर हुआ क्या? क्यों लड़ रहे हो? पैसे दे हमें, मारे पैसे दे। अरे शांति रखो। क्या हुआ? अरे यार, ये बेईमान हमें जीते और ये बेईमान पैसे नहीं दे रहे हैं। अरे शांति तो रखो, आखिर हुआ क्या मुझे बताओ तुम। आप ही देखिए ना, हम मैच जीते और ये बेईमान हमारा पैसा नहीं दे रहे। अरे खेल में तो हार जीत होती रहती है, इसमें कौन सी लड़ने की बात है? चल अलबख्श, इनको तो आप बाद में देख लेंगे। हाँ, बाद में ही देखेंगे इन्हें। हम हमारा पैसा लेकर रहेंगे। लगता है मुझे आपके घर वालों को खबर करनी पड़ेगी। अरे यार देने दीजिए, हमें हमारा पैसा नहीं चाहिए। अरे रुको, रुको, तुम भी रुको, इधर आओ सब लोग, जल्दी आओ। क्या हुआ? इतने से पैसे के लिए क्या लड़ रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें करोड़ों के खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। फिर तुम्हें कभी शर्त लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम मेरे साथ चलो, मैं एक हिस्टोरियन हूँ। हिस्टोरियन? अरे पुरातत्वता। मैं बरसों से इस खजाने की तलाश कर रहा हूँ और मुझे कुछ साथियों की जरूरत है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे बताओ ना, चलोगे क्या तुम मेरे साथ? हाँ चलते हैं। हाँ, मैं इतने सारे पैसे तो बंगला में लाऊंगा।
ठीक है, हम तैयार है। हाँ मैं भी तैयार हूँ। लाला जूरी बला है, हम जैसे है वैसे ही ठीक है। मुझे डर लग रहा है, मैं जा डरपोक। अब फट्टू साला, रात में आती तो बिस्तर में कर लेता है, तू क्या खजाना ढूंढेगा? मैं मेरे बिस्तर में करता हूँ तो तेरा क्या जाता है, मैं तेरे बिस्तर में थोड़ी करता हूँ। माधव अगर हम भी साथ में गए तो हमारे पास भी पैसा होगा, हम भी क्लब में क्रिकेट खेल सकेंगे। लेकिन पर किंतु मगर। अब तू ये सब छोड़, तू बस हाँ बोल, मैं हूँ तेरे साथ, टेंशन मत ले। तुम कहते हो तो मैं चल लेता हूँ। तो फिर ठीक है, परसों सुबह यहीं पर मिलते हैं। अच्छा हुआ तुमने हाँ कर दी, उन सालों को तो जंगल में ही सबक सिखाएंगे। हो जाए तो मेरा शिकार है, मैं उसे ही सबक सिखाऊंगा। सालों को ऐसा मारेंगे ना कब्रिस्तान नसीब होगा ना शमशान। अबे तूने हाँ करके गलती की है, वो अच्छे लोग नहीं है और वहाँ जंगल भी है और मुझे टेंशन हो रही है और देख देख मेरी आँख भी फड़क रही है। तेरी आँख संभाल, मैं उनकी माँ की आँख करता हूँ। जय ये ठीक बात नहीं है यार, उनकी माँ की आँख ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अबे चुप, हंस के छोटे जी। हेलो हाँ भाई, मैं बदर। आई एम फाइन, और कब आ रहा है? मैं कल की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। अच्छा तेरे उन मम्मी के प्रोजेक्ट का क्या हुआ, अभी भी तुझे उनमें इंटरेस्ट है? हाँ इसी काम के सिलसिले में तो वापस आ रहा हूँ। इंडिया में जो पांडोन का जंगल है ना, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी पता लगानी है। पांडोन? वहाँ तो हमारा क्रू भी जा रहा है और वो भी परसों ही जा रहा है। और मेरे हिस्टोरियन, अभी तक कितने मुद्दे उखाड़े तुमने? बस उखाड़ ही रहा था कि तू आ गया। और कब निकलना है वहाँ पे? कल शाम को। कितने लोग हैं? और तेरा क्या काम करेगा उस जंगल में? मेरा एक मकसद है जो पूरा होने पे तुझे पता चल जाएगा। और तुझे रात को जो सपने आते तो उनका क्या हुआ? नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और तो सब लोग आ गए? हाँ आ गए, सब लोग आ गए, दोनों ग्रुप आ गए। अरे हमें बस लेना है कि या प्लेन? तेरा बाप छोड़ गया था प्लेन के, तेरी माँ छोड़ गई थी। तो क्या हम घोड़े पे जाएंगे? नहीं हमें अपना सफर पैदल ही करना है, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती। लेकिन तुझे कैसे पता कि वहाँ गाड़ी नहीं जाती? मैंने बहुत लोगों से सुना है। क्या सर ये सच है कि वो किला शापित है और वहाँ किसी शैतान का शराब है? नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सुना है कि वहाँ कोई डरावनी घटना होती है, क्या हम वहाँ सुरक्षित है? अरे तुम लोग इतना क्या सोच रहे हो, वहाँ पर टूरिस्ट नहीं खोज कर जा रहे हैं, फिक्र मत करो। चलो चलो आदित्य जल्दी आओ। मेरे दिल की बातें हैं जो मैं कैसे तुझको समझाऊं, मेरे दिल में है जो उससे तू मिला देना, पागल हूँ दीवाना हूँ मैं कैसे तुझको बतलाऊं, मेरे दिल में है जो उससे तू मिला देना। Thank you.
अंकल ने तेरी आंटी को बताने के लिए जो लेटर लिखा था वही है। ए साले चल अबे चल छोड़ यार। अब छोड़ेगा तो बदबू आएगी नहीं। यार है पाना पर है खोना, फिर भी किस्मत में लिखा है रोना। तूने कैसे पढ़ लिया? तू ये भाषा जानता है? कौन सी भाषा? ये भाषा के बारे में जानता हूँ, ये इस भाषा के बारे में मैंने रिसर्च की है इजिप्ट में। क्या हुआ? उसने बस थोड़ा सा चलो खजाने से ज्यादा दूर नहीं। ओ ये कुछ तो जंगल पेड़ ये जंगल बहुत खतरनाक है। जंगल के पास वाले गांव में रहता हूँ। तो क्या करें? कौन? तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने आया हूँ। तुम्हारे पास तो कुल्हाड़ी तो है ही नहीं। तुम रुको मुझे बात करने दो। तुम इस जंगल में क्या आए हो? इस जंगल में बहुत खतरा है। पांडाल का जंगल का रास्ता कौन सा है? यहाँ पास में ऑफिस है, वहाँ पे जाके तलाश कर लो। तो चलो फिर वहीं जाकर देखते हैं। थैंक यू हमारे लिए इतना करने के लिए। रुको याद रहे ये जंगल बहुत खतरनाक है। खतरा डर के आगे जीत है। दोस्तों हमारी किस्मत लगता है खराब है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब क्या करेंगे हम? क्या हुआ?
क्यों भैया, ये जंगल का रास्ता कहाँ आ जाता है? जंगल का रास्ता दो पेड़ों के बीच से जाता है। चल, ये दो जंगल का पेड़ कहाँ मिलेगा? दो जंगल नहीं, दो पेड़। दोस्तों देखो, आ गया दो पेड़ों के बीच का रास्ता। अलविदा, यही है वो जंगल जहाँ करोड़ों का खजाना है। हाँ, यही हमारी मंजिल है, चलो आगे बढ़ो। अबे रुको रुको, क्या हुआ? तुझे बाएं पास से नहीं, दाएं पास से अंदर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि मुझे डर है क्योंकि अपशगुन ना हो जाए। तुझे कहा मैं नई नवेली दुल्हन दिखती हूँ, जो दाएं पास से आगे प्रवेश करो। चुप कर रहे, बजे कलक को नहीं तो क्या करेगा तू?